नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश वर्मा, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, श्री नारायण हॉस्पिटल देवनगर रायपुर से। आज हम मिर्गी के बारे में बात करेंगे। मिर्गी क्या है? मिर्गी हमारे दिमाग की एक बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भी भाग में बिना किसी वजह से एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। मिर्गी के अनेक वजह होते हैं, जैसे सिर पे चोट लगना, दिमाग का इन्फेक्शन होना या जन्मजात विकृति होना। इसकी वजह का जानकारी जो है अलग जांचों के बाद पता चलती है, पर इसके जो लक्षण होते हैं, जो सामान्य भाषा में हम देख सकते हैं कि सामान्य भाषा में देखते ही हैं कि एक भाग में अकड़न होना या बच्चे का गिर जाना या मुंह से लार निकलना, जीभ किटकिटाना, ये सब हो सकता है। मिर्गी के बारे में सामान्यतः बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। मिर्गी जो है एक दिमाग की अलग अन्य प्रकार की बीमारी तरह से एक तरह का बीमारी ही है। जैसे अपने को हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, वैसे ही मिर्गी की एक तकलीफ होती है जिसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं बिना किसी कंट्रोल के एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। इसका इलाज पूर्णतः संभव है। इसके बारे में जो मिथ्या बातें हैं, जैसे कि मिर्गी क्या छुआछूत की बीमारी है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये छुआछूत से नहीं फैलता है। ये जो मिर्गी के मरीज होते हैं वो मंदबुद्धि भी नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि भी नॉर्मल ही होती है, पर जिस समय मिर्गी का अटैक आता है उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर मिर्गी के अटैक के खत्म होने के बाद में उनकी एक्टिविटी जो होती है या जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति के समान ही होती है। मिर्गी जो है किसी श्राप का या किसी सामाजिक चरित्र की कमी की वजह से होने वाली बीमारी भी नहीं है। ये छूने या खांसने से बिल्कुल नहीं फैलती है। लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि जब मिर्गी होता है तो अपन उसको अगर पुराने जूते या प्याज या कुछ सुहाए तो उससे ठीक हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मिर्गी ऐसे ठीक नहीं होती। मिर्गी का जो अटैक होता है सामान्यतः 1 से 5 मिनट तक रहता है। जैसे जैसे ब्रेन की एक्टिविटी समाप्त होती है ये अपने आप ही अटैक चला जाता है। किसी किसी केस में अगर 5 मिनट से ज्यादा एक्टिविटी रहती है या बार बार मिर्गी का अटैक आता है तो उस कंडीशन में जरूर एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसे हमारी भाषा में स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। उस कंडीशन में जरूर मेडिकल हेल्प के लिए प्रयास करना चाहिए। लोगों के मन में ऐसे भी धारणा है कि शादी के बाद मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये भी एक तरह से मिथ्या बात ही है। शादी का मिर्गी से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, जो मिर्गी के मरीज हैं वो सामान्यतः शादी कर सकते हैं और उचित मेडिकल हेल्प के साथ में अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। मिर्गी के समय क्या करें और क्या नहीं करें, पहले अपन जानेंगे क्या नहीं करें। मिर्गी के जब कोई मरीज मिर्गी के अटैक से ग्रस्त होता है तो उस समय उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा ना करें। अगर उन्होंने कोई टाइट कपड़े या गले के आसपास कोई टाई वगैरह पहन रखा है तो उसको ढीला करें ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो। उनको उनकी जो एक्टिविटी है उसको रोकने का प्रयास नहीं करें। जो एक्टिविटी है वो ब्रेन के वजह से हो रही है वो अपने आप ही 1 से 5 मिनट में समाप्त हो जाती है। पर हाँ, अगर कोई खतरनाक जगह पर अगर मरीज हो, जैसे सड़क पर या तालाब पर, तो जरूर वहां से उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। या आसपास कोई खतरनाक वस्तु हो जिससे मरीज को चोट लग सकती है तो उससे उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब मरीज शांत हो जाए तो कोशिश करें कि उसको एक करवट में लिटा दें ताकि जो मुंह से निकलने वाली लार और झाग है वो फेफड़े में ना जाए, और जितना भीड़ अपन कम कर पाए वहां पर भीड़ कम करने का प्रयास करना चाहिए। मिर्गी के मरीजों के लिए कुछ विशेष सावधानियां अपने को रखनी चाहिए। यदि आप या आपके परिवार में कोई मिर्गी का मरीज है तो जरूर उनके जेब में या उनके पॉकेट में एक मिर्गी कार्ड या एपिलेप्सी कार्ड, जिसमें मरीज के बारे में सामान्य जानकारियां, नाम, पता एवं इमरजेंसी में कांटेक्ट की जाने वाली फोन नंबर रखी हुई होनी चाहिए। मिर्गी या झटके की बीमारी के समय क्या करें और क्या नहीं करें, जब भी किसी मरीज को आपके सामने मिर्गी का अटैक आए तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले मरीज को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यदि वो गिर रहा है तो उसे सहारा देकर धीरे से जमीन पर लिटाएं। यदि आसपास कोई खतरनाक वस्तु जैसे कील या कांच के टुकड़े हैं तो उनको हटा दिया जाए। यदि वो तालाब या आग के पास हो तो उनसे वहां से दूर कर दें। मरीज को जबरदस्ती उसकी एक्टिविटी रोकने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये एक्टिविटी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन के द्वारा संचालित होती है, वो अपने आप ही 1 से 5 मिनट में समाप्त हो जाती है। यदि मरीज
एक से पांच मिनट के बाद भी एक्टिविटी कर रहा है या हाथ में झटके आ रहे हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। जब मरीज की एक्टिविटी शांत हो जाती है या झटके समाप्त हो जाते हैं तब उसके बाद उसको एक करवट में लिटा दें ताकि मुंह से निकलने वाला लार या झाग जो है वो फेफड़े में ना जाए। मरीज को जब तक पूर्ण होश ना आ जाए तब तक कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास रहे ताकि इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प किया जा सके। मरीज के मुंह में क्या क्या हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, मरीज के मुंह में जबरदस्ती पानी दवाई या और कोई वस्तु ना डालें, उनको पुराने जूते प्याज या ऐसी कोई वस्तु सुंघाने का प्रयास ना करें, इनसे मिर्गी के अटैक को ठीक करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। मिर्गी के मरीज सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं या उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि दवाई जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार निश्चित समय पर और रेगुलर लेते रहें, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी दवाई को बंद नहीं करें। जिस व्यक्ति को मिर्गी है या जिस बच्चे को मिर्गी है उसके परिवार के लोगों को सहयोगों को उसके बारे में बताया जाए कि भाई मिर्गी के अटैक आने के समय अपन किसको बात कर सकते हैं या किसको बुला सकते हैं या क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। मिर्गी के मरीज को नींद पूरा लेना चाहिए, नींद जब पूरा नहीं हो पाता तो वो मिर्गी के अटैक को एक्टिवेट करता है या एग्रीवेट करता है। जिस कमरे में आप टीवी देखते हैं उस कमरे में लाइट की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, कई बार टीवी का जो प्रकाश होता है वो भी मिर्गी के अटैक को एक्टिवेट करने में सहायक होता है। यदि आप तैराकी करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप तैराकी करें, जब आपको एक ब्रेन मिर्गी के अटैक लगातार 2 या 3 महीनों से नहीं आया हो तभी आप तैराकी के बारे में सोचें और कोशिश करें कि आपके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति जिसको तैराकी आती है वो साथ में रहे। यदि आप मिर्गी की दवाइयाँ ले रहे हैं और साथ में आपको गर्भ निरोधक दवाइयाँ भी लेनी है तो इसके बारे में जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कुछ गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो है मिर्गी की दवाओं का प्रभाव कम या ज्यादा कर सकती हैं। जब भी आप कोई मोटर एक्टिविटी जैसे गाड़ी चलाना या खतरनाक कारखाने में काम करना इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उस समय सुरक्षा के सारे साधन साथ में होने चाहिए, जैसे आप अगर साइकिल या बाइसिकल चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। मिर्गी की वजह क्या क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिर्गी जो है हमारे दिमाग के अनकंट्रोल एक्टिविटी की वजह से होती है, अतः इसकी दिमाग की अनेक बीमारियों की वजह से मिर्गी हो सकता है। इसमें मुख्य कारण होता है जन्मजात विकृतियां, यदि अपने को बर्थ के समय एस्फिक्सिया या ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आने वाले बच्चे को मिर्गी हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है भारत में वो है इन्फेक्शन, दिमाग के किसी भी इन्फेक्शन की वजह से मुख्यतः टीबी या न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एक तरह का पेट का बीमारी है जिसमें कृमि जो होते हैं पेट के रास्ते से होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं, इसकी वजह से भी मिर्गी आ सकती है। तीसरी जो मुख्य वजह है वो है हेड इंजरी या सिर का चोट लगना, इसकी वजह से भी मिर्गी आती है। जो और वजह होती है उसमें एक न्यूरोडिजनरेटिव वजह है, जब जैसे 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 उम्र बढ़ते जाती है दिमाग की नसें सिकुड़ते जाती हैं तो वो भी एक वजह होती है मिर्गी की एक्टिविटी को एग्रीवेट करने के लिए। कई बार बिना किसी वजह के बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के ब्रेन में बिना किसी संरचनात्मक विकृति हुए भी मिर्गी आती है, जिसको हमारी भाषा में इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, ये भी एक वजह होती है। मिर्गी का इलाज कैसे किया जाता है, मिर्गी का सबसे पहले डायग्नोसिस करना होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए कहते हैं जिसमें सीटी स्कैन या एमआरआई, जिसके द्वारा ब्रेन में होने वाली स्ट्रक्चरल डैमेज को पता किया जाता है। दूसरा ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो दिमाग की विद्युतीय एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, इसके द्वारा हम दिमाग में होने वाले एबनॉर्मल एक्टिविटी को पता करते हैं। मिर्गी का इलाज सामान्यतः दवाइयों से किया जाता है और जो सेकेंडरी एपिलेप्सी है या जिस ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन की संरचनात्मक विकृतियों के द्वारा होने वाले मिर्गी को सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। मिर्गी के इलाज के लिए सामान्यतः डॉक्टर आपको एक या एक से अधिक दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं, सामान्यतः सबसे कम डोज
सबसे कम डोज में दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाया जाता है। जिस डोज पे आपकी मिर्गी का अटैक या झटका जो कंट्रोल रहता है, उस डोज पे सामान्यतः 6 महीने से 1 साल तक वो दवाई का डोज दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दवाई का डोज कम किया जाता है। कभी कभी किसी किसी मरीज को 3 या 4 दवाइयों के बाद भी मिर्गी का अटैक कंट्रोल नहीं होता है। इन कंडीशन में मिर्गी के इलाज के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस सर्जरी में हम जिस मस्तिष्क का जो भाग मिर्गी के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हिस्से को निकाल देते हैं या उसको दिमाग के अन्य हिस्सों से अलग कर देते हैं। ये सर्जरी सामान्यतः महानगरों में ही होती है और 100 में से करीबन 1 या 2 मरीज को ही इसकी जरूरत होती है। इस सर्जरी के बाद सामान्यतः या तो मिर्गी पूर्णतः समाप्त हो जाती है या दवाइयों के द्वारा कंट्रोल हो जाती है। मिर्गी के बारे में ये एक सामान्य जानकारी थी। यदि आप और कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं या आपके मन में और कोई प्रश्न है, तो आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पे अपने क्वेश्चंस या प्रश्न भेज सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा।